लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर के लिए वोटिंग जारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे से मतदान जो है वो चल रहा है पोलिंग बूथों पर। आम हो या खास हो, हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो ये 13 सीटें पूर्वांचल की काफी अहम है, जिन पर तमाम सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। करीब 2 घंटे का वक्त चला है मतदान शुरू हुए, और दिग्गजों का भी लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंचना जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है, और मतदान से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो जहां देश भर में लगातार मतदान 8 राज्यों की 57 सीटों पर, तो वहीं दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे से मतदान चल रहा है, और इस बीच दिग्गज भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया, साथ ही साथ आम जन से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने की अपील भी की। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी गोरखपुर से अपना वोट कास्ट किया है। पटना में लालू यादव भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। तो ये तो कोलकाता के, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंजाब के जालंधर में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी वोटिंग की। पंजाब के लखनऊ में आप नेता राघव चड्ढा ने भी वोट डाला है। तो ये बड़ी जानकारी, तो गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। पटना में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी रोहिणी आचार्य ने भी मतदान किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हम आपको बता दें, तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान चल रहा है लेकिन इस दौरान चुनावी हिंसा की खबर यहां से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग से पहले बमबाजी यहां पर हुई है, पुलिस ने बम जो है वो बरामद किए। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप है। इलाके में तनाव का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, जहां जादवपुर के बांगड़ इलाके में ये चुनावी हिंसा देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से वहां पर ये चुनावी हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है। हर तरफ अफरा तफरी जो है, वोटिंग से पहले बमबाजी के बाद यहां पर किस तरह का मंजर बरपते हुए, हालांकि सुरक्षाकर्मी जरूर मौजूद है लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो माहौल है वो काफी सेंसिटिव यहां पर रहता है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। अब चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। क्या कुछ बड़ी खबर, तो सातवें